ਉੱਠ ਰਹੀ ਓਏ ਫਾਤਮਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਓਏ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਸੇ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਲੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सब उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से okay, मैं शब्बल डॉन उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे कुंडी में ला ली है कमरे दी फातिमा इस वक्त जो है वो उधर है और कंडीशन फुल पकी हुई वैसे ही इन दिनों ना बड़ी एंग्री हुई हुई है बड़ी गुस्से वाली हुई है तो मेरा दिल है कि मैं मज़ीद गुस्सा जो है ना वो दिलाऊं और कोई इसमें ना वो नहीं है क्या उसे कहते हैं स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा एक प्रैंक करने जा रहा हूँ मैं फातिमा पे वो है गर्लफ्रेंड कॉलिंग प्रैंक ये शायद बड़े लोगों ने किया हुआ लेकिन हर एक इंसान का रिएक्शन एक अलहदा होता है क्योंकि मैरिड लाइफ में हर इंसान का तेवर बदलता है हर इंसान का ज़ाहिर है सेम होता है गुस्सा वगैरह वो तो सेम होता है लेकिन कौन सा शख्स गुस्से के अंदर अपने शोहर पे किस तरह पे कुछ औरतें होती हैं वो पहले तो यकीन ही नहीं करती ना तो तुम मैं दिखाना है कि ताड़ी जड़ी भाभी है ताड़ी जड़ी आप ही उसे मेरे पे कितना ट्रस्ट है ये मैं भी देख लूँगा और आप लोग भी देख लेंगे अभी मैं कॉल करके मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी दोस्त है मैं उनको कॉल करके तो अभी एक चीज़ बताऊँगा कि मैंने ना अपनी बीवी को इसे इस तरह छेड़ना है तो आपने इसमें ना मेरा साथ देना है ठीक है वो मतलब बात इस तरह करें कि लाइक शी इज़ लाइक माई गर्लफ्रेंड ऐसे करेंगे तो ज़ाहिर है मज़ा भी उदू ही होना है लेट मी कॉल हर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक है आप मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अच्छा अभी ना मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत है जी जी हुक्म करें अच्छा वो हेल्प यूँ है कि अपनी वाइफ पे एक प्रैंक करना है वो गर्लफ्रेंड कॉलिंग प्रैंक अच्छा ते तुसी मेरा साथ चाहते हो कि आपकी बीवी मुझे अपने लिस्ट से ही निकाल दे नहीं नहीं वो लिस्ट से थोड़ी निकालेगी हाँ। बीवी है मेरी वो जिंदगी से निकालेगी नहीं नहीं उसको थोड़ी पता होगा आप कौन है आपने ना बस अभी मुझे खुद ही कॉल करनी तो मैं खुद ही स्पीकर पे रख लूंगा ठीक है Okay. तो एक दफ़ा ना समझ लें कि बात इस तरह करनी है कि वो एक दफ़ा चकमा आ जाए घबरा जाए कि कौन है ये आवाज़ कभी पहले नहीं सुनी और इस तरह से कभी शब्बर ने किसी से बात नहीं की ठीक है कब करनी है कॉल बस समझ लें मैं उस कमरे से अभी खुद ही आके बैठ जाएगी जब मैं बैठा हूँगा यहाँ पे तो आपने कॉल कर देनी मैं आपको मैसेज कर दूँगा ठीक है ओके थैंक यू लो जी गल बन गई है तो हूँ तुसी सबर करो रिएक्शन देखना मैं वैसे सही बताओ ना खुदा की कसम डर लगता है और मुझे लग रहा है दिस इज गोना बी द रियल प्रैंक एवर मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल या मैं ऐथे बैन लगा एक सेकंड और फोन मैं रख दूंगा एक सेकंड ए यहाँ पे ए ऐसे करके ठीक है और आना लिए बस मैं एक सेकंड मैसेज कर दूँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं कोई कुछ नहीं जस्ट रिएक्शन देखना है एक सेकंड मैं उनको मैसेज भी कर देता हूँ कि मुझे आपने कॉल करनी है ठीक है इसी दौरान वो आने वाली होगी बस ना एक सेकंड ज़रा दुनिया के बीच हर रखते हो शपर क्यों चीजें कितनी फैला के रखते हो यार कोई यार नहीं है तमीज नहीं है कोई चीज के हर चीज मैं समेटूं हर चीज मैं संभालूं साफ सुथरा कमरा ही है बेटा जो कोई साफ सुथरा नहीं है तो मेहमान आ जाते हैं कोई वो ही नहीं है जब देखो नहीं तो मेहमान अल्लाह की रहमत है बेटा आने चाहिए उनमें क्या है रहमत को एक दिन पहले बताना चाहिए ना नहीं तो चलो बता के आती है रहमत रहमत को भी बता के आने फिर अल्लाह की रहमत बता के तो फिर अल्लाह खाना भी ऊपर से भेजे ना रहमत के लिए मन्नो सलवा उतरे तेरे वास्ते आवर लेटर कह रही हूं आपको
कि मेरे सामान इतना सारा रह गया, ऊपर से सर पे मेहमान भी आए हुए, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है तुम्हारे चक्कर में, और तुम मोबाइल में लगे हो। व्हाट्सएप ऑडियो इधर ही हूँ। मैंने कहाँ जाना है अपना? नहीं, आपने आज कॉल भी नहीं की और ऊपर से आप कोई आने वाले थे और वो भी नहीं आया। ये फंस गया सी है यार। आने वाला मैं किधर आने वाला था? मैं आज आप भूल गए, आज सैटरडे था और आज आपने 12 बजे आना था। 12 बजे आना था? मैं आपको जरा कॉल करूं? नहीं, क्या हुआ? सब खैरियत है? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सब ठीक ही है यार। बस आपकी बहन तो पास नहीं है? नहीं पास नहीं है वो, बस अपना यार दोस्त है। एक सेकंड मैं आपको करता हूँ कॉल। एक सेकंड, कौन है मुझे बताओ, कौन है? कौन है मुझे बताओ। ये मैं कब से तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हल्की हल्की और तुम बोल रहे हो? कौन है ये? दोस्त है क्या? क्या क्या दोस्त है? दोस्त का नाम कोई ऐसा रखता है यार? माय लव से मुराद है यार। वो भी मेरे साथ तो तुमने नहीं रखा ऐसा है। तुम्हारे नाम के साथ प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है। हाँ तो फिर कौन सी प्रॉस्पेरिटी तुम्हारी? मैं एक सेकंड, मैं जरा बात सुन के आया ना, पीछे बात सुन के आया मैं। सबर करो, बात करो, यही बात करो मेरे साथ, मेरे सामने बात करो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, बात करो यहीं पर। मेरे पे शक कर रही हूँ? हाँ कर रही हूँ। यार सब कुछ देखने के बाद भी मैं यार नहीं कुछ करूंगी, कुछ है? भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ नहीं है। वो बोल रही है आ क्यों नहीं रहे हो? ये लो, ये लो। खैरियत है? आप मेरी कॉल भी डिक्लाइन करने लगे हैं, मुझसे मिलने भी नहीं आए हैं। कहीं मुझे धोखा तो नहीं देने लगे आप? धोखा? धोखा? कौन सा धोखा? आपको पता हम अच्छे दोस्त हैं। कौन है ये? जी जी, लेकिन अच्छे दोस्तों का मतलब ये तो नहीं होता ना कि अब कॉल भी डिक्लाइन करें, आए भी ना वादा करके। भाई दोस्तियां मैं तुम्हें बताती हूँ, बता कौन है ये? कौन बोल रहा है? कौन है यार ये? दूर से मेरी एक कजन आई हुई है, सिस्टर आई हुई है, तो वो गजब बेइज्जती है। कॉल कर गया है सुन के मैंने? नहीं इधर ही बैठो, मेरे सामने बीवी हो मैं तुम्हारी, कोई मुझे रोड से उठा के नहीं लेके आया, खरीद के नहीं लेके आया। मैं अरे एक सेकंड, तुम मेरे पे शक कर रही हो? हाँ मैं शक कर रही हूँ। उठाओ ये कौन है? मेरी जान खींच रही है। और चल शक करी जा रही है, एक सेकंड ठहर। मैं तुम्हारा, मैंने कॉल सुन के आलम देना, सब्र कर। मेरे सामने बात कर, सामने नहीं ना कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? यार उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। यार कोई ऐसी बात होती है जो कोई नहीं औरत कर सकती? तुम मैं एक मिनट रुको, औरत से क्या तुम्हारी ऐसी राजदारियां हैं? ओहो औरत, ओहो क्या क्या, ओहो क्या, मैं ही एक औरत का दर्द समझ सकता हूँ? बड़ा लव बॉय है, बड़ा है, कर लो मेरे शक, मेरे शक कर लो, मेरे शक कर लो, करा 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 शक। यार देख यार अपना तो मेरे शक करन नहीं। शक कर रही हूँ मैं, कॉल करो उसके, फिर से तुम कॉल करो। अब बुढ़े हो गए ऐसे तो उम्मीद है, तू मेरे शक करन नहीं। 21 साल की उम्र में तू बुढ़ा हो गया यार। आफरीन है यार, कॉल कर, ओए कॉल कॉल कर, आ गई ना? ओहो दोस्त है मेरा, मैं बात करूंगी और जानबूझ के मैं बात करूंगी और मेरा दोस्त जानबूझ के लड़की की आवाज ना कर दे यार। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, मेरी बात करवा लो। ओहो मेरी बात करवाओ शब्बर, मैं तेरे सामने चुक रहा हूँ। एक सेकंड, हेलो। कितनी बार कॉल डिक्लाइन करेंगे? खैर है आपको, आज मैंने इतनी जरूरी बात करनी है आपसे और आप मेरी बात ही। मैं आपको ना थोड़ी देर तक कॉल, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी शब्बर। कौन है ये? मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल, कौन है ये? कौन हो तुम? हैं कौन हो? और मैं एक सेकंड आपको कॉल, कौन हो तुम? कौन है? मैं इसकी बीवी हूँ, तू कौन है? मैं इनके दिल में रहने वाली हूँ। ओ तेरी मैं पहले मुझे बात बात सुनो ना। क्यों बात करने दूं? क्यों क्यों बात करने दूं? उन्होंने आज मुझसे मिलने आना था। क्या मिलने आना था? तुम्हारी बड़ी बड़ी मैं, उसका बेचारी का फैमिली इशू चल रहा है इस मामले में। तेरी फैमिली इशू
मैं छप्पर छा, मेरा बस हो गई है, मैं जा रही हूँ। मेरी बात क्या, जाने दो क्या तुम ए, ए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम कौन है? तूने बात ही क्यों करी जब पता था ये शादी शुदा है, है? दोस्त है मेरा। तो तेरी दोस्तियाँ मैं बताती हूँ अभी। शब्बर देखो, इस्लाम में ना चार जायज है, ठीक है, और वो आपके हुकूम पूरे कर रहे हैं। तुमने मुझे सब छोड़ो, चार एक मिनट, तुम चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? तुम मुझे एक बात बताओ, ये चार शादियां, पहली शादी करते हुए तुमने तो बोला था, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फातिमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, हुकूक कद्दू हुकूक पूरे हो रहे क्या? देखो, तुमने मुझे धोखा दिया शब्बर शाह। तुम ओहो, धोखे वाली कौन? मैं जा रही हूँ अपने अम्मा पापा के घर। तुम्हें या तो मैं मार दूंगी। करके आज आप अपने इधर हुकूक पूरे करें, वैसे आपको भी शर्म नहीं आती शब्बर? तुम यार तुम देखो, किसी सच्ची है ना, किसी की नहीं हो। सियालकोट स्वीट के बाहर आकर आपका वेट कर रही हूँ। 12 बजे मैं आया। ओए मेरी गल तो सुनो। ओ यार, उसका भी फैमिली इशू है। तुम्हारे फैमिली इशू मुझे पता है, तुम्हारे अपने फैमिली इशू हैं। फैमिली इशू तुमने अपनी फैमिली अलग बना के रखी है। क्या फैमिली इशू बना रही है? मैं तुम्हारे, मैं शब्बर कहाँ है? हाँ, मैं उसे क्या बोले? ये तो कह रही थी मैं जा रही हूँ, अभी तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मैं क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल यार शब्बर, तुम्हें ओहो मुस्कुराने वाली बात। यार बात सुने आप, मैं आपको कॉल ना करूं थोड़ी देर तक। मेरा घर तबाह हो गया अबे। जी जी, मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, रोने दो, आप मुझसे बात करो। अभी जिस खल्ला इंसान बेगरत। ओहो, ओए देखो मैं गालियां, तेरी माँ साली, तेरी माँ, तेरी माँ मैं, तेरी जुलम हो रहा जे, मैं बचा लो। गुड बाय, गया। मुझे फोन से कैसे बचाएंगी तू? मेरे से बात कर, मैं आती हूँ अभी। उसको कुछ मत कहना, मैं निकाल। उसको कुछ मत कहना है, उसको कुछ मत कहना है। मुझे आता है सब कुछ, मैं बताती हूँ ना इसको, ये इसकी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरे सखमा ते मारे, मेरे साथ ये केस में। उसको कुछ मत कहना, तेरी जबान से ये बात भी कैसे निकली? शबर मेरी सा, शबर तुमने मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। अच्छा मैं जरा उसका फैमिली इशू ना बैठ के तू आया जरा, ठीक है? अभी भी तू यार बात सुनो, मेरा छुरा गया, मैं तुझे बताती हूँ। आज मैं यार क्या ये छोटी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नैरो माइंडेड लोगों के आगे आप यूं बोल देती हो, कॉल कर देती हो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। ओए, आज मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। तू है क्यों? जब मेरा नहीं है तो किसी का भी नहीं है। ओए एक सेकंड, मेरी गल, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओए रिकनेक्टिंग, उठ रही। ओए फातिमा, तू दा बड़े मुंह नाल टकरा। ओए एक सेकंड, मैं तुझे जिंदा नहीं, यार गल तो सुन मेरी। तू है क्यों? तू है क्यों? मैं प्यार करती तेरे से और तू गुलछर्रे उड़ा रहे बाहर है। मैं क्यों इस इंसान के वजह से मैं अपना शहर छोड़ के आई है। इस इंसान की वजह से मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया। उठा यार, रही मेरी बात तो सुनो। ये भी सुने, उसे वीडियो कॉल कर रही है। ये भी सुने
ये भी सुने, मैंने क्यों हेलो तेरे लिए ये शहर छोड़ के आई हूँ शब्बर। यार ये पता नहीं क्यों नहीं जा रही, मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात, मैं शहर छोड़ एक सेकंड तुम अरे ओ देख प्रैंकी, ओए मेरे से और नहीं था बोला जा रहा भाई। ओए मेरी तोन कोट दी थी जनवन, मैं सॉरी मैंने आपका दिल दुखाया, सॉरी दिल दुखाया है, फिर भी कौन है ये लड़की की आवाज कैसा है, कौन है ये ओए होए दोस्त है, चलो दोस्तियां मुझे नहीं पता कैसे तेरी दोस्तियां, चलो ओए अल्लाह हाफिज और दस दे प्रैंक दे दस दे मैं तेरे माय लव क्यों लिखा हुआ, ओए वो मेरी बहन जैसी गर्लफ्रेंड है, एक साथ मेरी बात तो गर्लफ्रेंड कौन होता है मेरी, माय लव क्यों लिखा हुआ तुमने, है तुमने माय लव क्यों लिखा हुआ, मुझे माय वर्ल्ड लिख देता हूँ फिर माय लव हटा के मुंह साफ करके चंड मार दूँगा तुझे, तूने बात सुनो ना, मैंने बताया तू आप मेरी तोन कोड़ दी थी, तू अखा चो थ्रू आ गए मेरे तबाह, मेरे नाल ही प्रैंक की मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरी भी तो तबाह हुई सी, तू सूटा लाग मेरे सामने, तो यार ये इतना सही प्रैंक था, खुदा की कसम है मेरा गला वाकई कुटिया गया है, लेकिन प्रैंक के अंदर से मैं थोड़ी सी कटिंग भी करूंगा, क्योंकि कुछ इस तरह के अल्फाज मुंह से निकले हैं जो वो बेचारी मेरी दोस्त को इसने बड़ी बुरी सुनाई है, ठीक है। और सेकंडली कुछ मुक्के कुछ चपेड़े फातिमा के असल थे कुछ नकल थे, क्योंकि कभी कभी मैंने प्यार भी कर दिए। थम्स अप फॉर द वीडियो, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर सब्सक्राइब। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, अल्लाह हाफिज़।